Hello students, I am going to start today's video with extinction of species. What is meaning of this topic? Firstly, hum species ka meaning samajhte hain. Species means prajati and extinction means lupt ho jana. To basically hum padhne ja rahe hain species ka lupt ho jana ya species ka khatm ho jana. Students, due to indiscriminate use of plant and indiscriminate hunting of animals, some species of plants and animals have been lost. And these species are called extinct species. I repeat, बिना सोचे समझे plants and animal की use या फिर animal की hunting की वजह से plant and animal की कुछ species लुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं. इन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन? इनके खत्म होने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है? फर्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग. बच्चे, इनडिस्क्रिमिनेट का मीनिंग क्या हुआ? बिना सोचे समझे यूज करना. ओके, यहाँ पे बिना सोचे समझे हंटिंग मीन्स शिकार करना. ओके, बहुत सारे स्पीसीज खत्म हो चुके हैं. व्हाई? ड्यू टू देयर हंटिंग बाय मैन फॉर फूड, प्लेजर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. बच्चे, हम एनिमल की हंटिंग क्यों करते हैं? या तो फूड के लिए करते हैं, या फिर प्लेजर के लिए यानी खुशी के लिए करते हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं. ओके, तो इस हंटिंग की वजह से बहुत सारी स्पीसीज एनिमल की एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. एग्जाम्पल्स आर डिसअपीयरेंस ऑफ बर्ड डोडो इन मॉरिशस. मॉरिशस में एक बर्ड है डोडो, ये भी क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. एंड चीता इन इंडिया. इंडिया में अगर चीता की बात करें तो ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. दीज आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ओके, एक्सटिंक्ट प्लांट्स आर ब्रह्म कमल एंड सर्पगंधा. ये जो दो प्लांट हैं ये भी एक्सटिंक्ट प्लांट है, ब्रह्मकमल एंड सर्पगंधा. ओके, देखिए आपको चीता एंड डोडो इन दोनों की फिगर दी गई है. चीता अब इंडिया में नहीं मिल रहा है, डोडो भी मॉरिशस में नहीं मिल रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं. ओके, सेकेंड कॉज इज फॉरेस्ट फायर, यानी जंगल में आग का लगना. सेटिंग द फॉरेस्ट ऑन फायर नॉट ओनली किल्स द यूजफुल एनिमल्स बट ऑल्सो कॉज द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट लाइफ. अगर आप फॉरेस्ट में आग लगाते हो या फॉरेस्ट में आग लग गई तो इससे केवल एनिमल्स ही अफेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि इससे प्लांट लाइफ भी डिस्ट्रैक्ट होती है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ठीक है, तो ये टू मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज की क्लासिफिकेशन, स्पीसीज की अगर हिंदी में हम बोले तो वर्गीकरण बोलते हैं. स्पीसीज को डिवाइड किया गया है कुछ क्लासेस में. द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN. बच्चे, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, ऑफ सी फॉर कंजर्वेशन, एन फॉर नेचर. ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया IUCN का? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ओके, एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज क्लासिफाइड द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंटू फोर कैटेगरी. IUCN एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने प्लांट एंड एनिमल को की स्पीसीज को फोर कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज रेयर स्पीसीज. रेयर स्पीसीज का मीनिंग क्या हुआ? वैसे स्पीसीज जिसके नंबर बहुत ही कम हैं, दे अकर इन स्मॉल नंबर इन द वर्ल्ड, उनको हम रेयर स्पीसीज कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर गोल्डन कैट, इंडियन पाइड हॉर्नबिल, क्रेस्टलेस हिमालयन बर्ड एट्सेट्रा.
ये रेयर स्पीसीज के अंदर आते हैं. क्यों? क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ही कम हैं. नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज. इंडेंजर्ड स्पीसीज का मीनिंग क्या हो गया? वैसे स्पीसीज जो डेंजर में है, मींस जिनका एक्सटिंक्शन होने वाला है, जो अगर हम वाइसफुली इनको यूज़ ना करें, वाइसफुली हम काम ना करें, देन धीरे धीरे ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ओके, अब ये स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ये क्यों नहीं सर्वाइव कर रहे हैं? मे बी कि हम उनके लिए ऐसे फैक्टर्स या फिर ऐसे रीज़न प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे. अब ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर आते हैं? इंडियन राइनासोरस, एशियाटिक लायन, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल एट्सेट्रा. ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज थ्रेटेंड स्पीसीज. वैसे स्पीसीज जो ऊपर दिए गए कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में, फर्स्ट या सेकंड, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, उनको थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीसीज. इसे वल्नरेबल स्पीसीज किसे कहा जाता है? दीज आर स्पीसीज विच आर लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी. अब ये क्या है? वल्नरेबल स्पीसीज जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आने वाले हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन लंगूर, ब्लड पीजेंट, चिंकारा, डियर एट्सेट्रा, ये सारे वल्नरेबल स्पीसीज हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू.